पंडाल भी ऐसे ही पूजनीय है, ऐसे जानना। कोई शास्त्र में भक्त का जाति जो है स्वीकार नहीं किए हैं, भक्ति का श्रेष्ठता प्रदान किए हैं, तो चंडाल कन्या शबरी अब जानते नहीं है रामचंद्र कब आएंगे। प्रतिदिन अपने झोपड़ी के पास बैठी रहती थी और ताकती रहती थी कब आएंगे, अभी आएंगे, आज आएंगे, अभी आएंगे। थोड़ा चली जाती है, आगे चल के देखते हैं राम आते होंगे, फिर लौट के आती है, एक चंचलता मन में, राम आएंगे, कब आएंगे, क्या जाने, हमको तो जानकारी है नहीं, आज भी आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, हम अगर चले जाएंगे, राम अगर आ गए तो दर्शन से वंचित रह जाएंगे, तो हमारा जीवन ही वृथा है। गुरु जी कह गए हैं आएंगे तो जरूर आएंगे। बस सबरी की इंतज़ार, ऐसे इंतज़ार भगवान के लिए, ऐसे इंतज़ार साधक जीवन में कहीं देखा नहीं गया। ऐसे विचित्र इंतज़ार, एक एक पल, एक एक क्षण राम जी के लिए चिंतन, राम जी के लिए ही जीना, राम जी के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा। तत्कर्म हरितोषं, क्या कर्म करते हैं शबरी? ठंडी मौसम लकड़ी तोड़ के लाते हैं छोटी छोटी, रामचंद्र आएंगे तो अग्नि तापेंगे, ठंडी मौसम है, पानी पिएंगे तो उनके लिए शुद्ध पानी ला के रखते हैं। जंगल में जाते हैं, मीठी मीठी जो वो बैर है, बहुत बैर ही खाती थी, जो मीठी बैर लगता था, जो अच्छा मीठा, अरे इतना सुंदर मीठा, अरे इसको रख दो, रामचंद्र आएंगे तो उनको देंगे। उसको ये जानकारी है नहीं, झूठा है। आज्ञा युव गुणन दुषान मया दृष्ट नकान धर्मन संतज सर्वंज मांग भजत स्वच सत्यम, श्रीमद भागवत में है। मेरे द्वारा शास्त्र में जो विधि निषेध दिया गया है, गुणान दुषान मया दृष्ट नकान, ये सब समझते नहीं, जानते नहीं है, लेकिन हम में ऐकांत की भक्ति है। सर्वान मांग भजत सर्वत भाव से, काय मन वचन से, मेरे लिए ही जीते हैं, दोनों मन को हम में समर्पित करके हमारे लिए जीते हैं, तो जानते नहीं को शास्त्र विधि निषेध। सत्यम बोलते हो उत्तम भक्त है, लेकिन ऐसा नहीं आप हम जानबूझ करके भाई ऐसे विधि निषेध शास्त्र में कह दिया है, विधि निषेध मानने का कोई जरूरत नहीं, हमारे लिए पाप लग जाएगा, विघातक हो जाएगा, जब शास्त्रीय विधि मुश्किल जो बढ़ते थे काम कर आपके हमारे लिए वो विघातक हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो सरल सहज कुछ जानते नहीं समझते नहीं, जैसे कर्मा बाई, ऐसे बहुत भक्तमल में बहुत सारी जीवन चरित है जो कि विधि निषेध कुछ जानते ही नहीं थे, जब जान गए तो उनके लिए सरल भक्ति उसमें बाधा आ गई। कर्मा बाई के जीवन चरित में ऐसे है, बाधा आ गई, वो सरल भक्ति समाप्त हो गया। फिर धीरे 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 दिन बीते जा रहा है, एक साल दो साल बीतते बीतते समय और उत्कंठा व्याकुलता, फिर रुचि स्तर में पहुंच गई मनोवृत्ति। उस समय क्या होता है, बस हरि कथा हरि चिंतन, बस इसी में ही मन लगा रहता है। और एक लक्षण है इसमें, इस स्थिति में क्या होता है, माने परीक्षा करते हैं हर स्थिति में, अच्छा ये जो कुत्ता जा रहा है, ये अगर मान लो लौट के हमारे तरफ आ गया तो जानेंगे राम आ जाएंगे। हर हर कदम में ना ऐसे एक स्वाभाविक चेष्टा, अगर कुत्ता इधर नहीं आकर के उल्टा चली गई तो समझेंगे आज राम नहीं आएंगे। कुत्ता ने मान लो पशु है लौट के इधर आ गई, बस नाचना शुरू कर दिया, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, जरूर आएंगे, राम आएंगे। मान लो कुत्ता वो सीधा उल्टा चला गया, रोना शुरू कर दिया, आज राम आएंगे नहीं, आज का दिन भी गया हमारा वृथा, राम आज आएंगे नहीं, राम आज आएंगे नहीं, बड़ा भारी दुख। कुछ नहीं, एक प्रगति के स्वाभाविक नियम के साथ वो अपना परीक्षा निरीक्षण करना शुरू कर, एक स्वाभाविक भक्ति में ऐसे एक आ जाती है
ऐसी भावना। एक पक्षी ये बैठी है, अच्छा ये पक्षी अगर रामचंद्र आएंगे तो पक्षी अभी आवाज करेगी, अगर मान लो उड़ गई तो जानेंगे रामचंद्र नहीं आएंगे। सुबह से बैठ करके ऐसे देखती है, दरवाजे के पास बैठ करके एक बार देखती है बार है कि नहीं, अब फिर तो सीताराम 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 ऐसे। मान लो एक चिंता करो, सुबह से लेकर रात तक बैठे बैठे ऐसे ही इंतजार, और वृद्धावस्था तक, यौवन से लेकर वृद्धावस्था तक ऐसे ही इंतजार, एक एक पल एक एक क्षण राम चिंतन, राम के लिए जीने का एकमात्र आग्रह, यह है केवल भक्ति। फिर धीरे 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 रुचि से फिर आसक्ति दशा में तो अंतर्मना हो जाती है, तो थोड़ा देखते हैं आज आए नहीं काल जरूर आएंगे, सोती सोती है कम, अगर रामचंद्र आ गए हम सो रहे हैं, आकर के अगर रामचंद्र चले गए तो हम वंचित रह जाएंगे, सोते नहीं थे, क्या जाने जंगल के समय हैं, जंगल के स्थान है, रात में भी आ सकती है, जागती रहती थी। एक कुत्ता पशु पक्षी कुछ जाता है, सूखा पत्ती किचर मचर खचर मचर करता है, ओ राम आ गया राम आ गया राम 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 राम, दरजा खोल के बाहर जाती है, देखता है नहीं रामचंद्र नहीं, तो फिर रोना शुरू करती है, कैसे इंतजार। ऐसे थोड़ी है केवला भक्ति, ऐसे थोड़ी होता है, एक स्वाभाविक अंतकरण वृत्ति। केवला भक्ति ये आचरण से लाया नहीं जाता है, ये तो अति भाग्यशाली कोई भी साधक में अपने इष्ट के प्रति ऐसे ममत्व बोध, ऐसे प्रियता, ऐसे तन्मयता, ऐसे तल्लीनता होती है, ये अति भाग्यशाली है। आप धीरे धीरे रोते रोते दिन भर रोते हैं राम 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 करके, सुबह से लेकर संध्या तक राम चेष्टा, राम आएंगे तो कहाँ बैठने देंगे, उनके लिए आसन बना दिया कोमल पत्ता तोड़ करके पेड़ का आसन, पानी लाती है, जो मीठा मीठा जो भी फल फूल झोली में भर के रखती है, जी राम आएंगे तो उनको देंगे। ऐसे करते 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 तो कितने साल बीत गया कोई ठिकाना नहीं, राम चिंतन में ऐसे एक तल्लीन था। फिर साधक क्या होता है, उस स्थिति में साधक बहिर्मुख मनोवृत्ति रहती नहीं, फिर धीरे धीरे वो अंतर्मना हो जाते हैं। जब अंतर्मना हो जाती है तो भीतर में स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है, यह है भक्ति जगत में ऐसे नियम है। स्फूर्ति दशा में क्या होता है, वो देखते हैं जैसे साक्षात अपने इष्ट विराजमान है और साक्षात दर्शन हो रहा है, ऐसा वही देखते हैं रामचंद्र आ गए हैं, उनके लिए समस्त व्यवस्था किए हैं, बैठे हैं, चरण सम्मान कर रहे हैं, उनके श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन कर रहे हैं, अपने मन पसंदीदी वस्तु अपने हाथ से खिला रहे हैं, ये अंतर दशा में चले जाते हैं। नहीं तो प्राण धारण करना, उतनी बेकुलता उतनी उत्कंठा उस स्थिति में शरीर धारण करना संभव नहीं है। फिर धीरे धीरे आसक्ति से भाव दशा प्राप्त कर ले, समाधि समाधि दशा जैसे भक्ति राज्य में उसको समाधि दशा कहते हैं, जो ज्ञान मार्ग में जिसको समाधि कहते हैं भक्ति मार्ग में उसको समाधि दशा कहते हैं, ध्रुवानुस्मृति कहते हैं उसको, कहते हैं ध्रुवानुस्मृति, ध्रुवानुस्मृति उस स्थिति में अंतर्दशा में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी बाह्य दशा थोड़ा आ जाती है, थोड़ा सा शरीर का बोध होता है, ज़्यादातर अंतर दशा में रहती, वृद्धावस्था आ गई, आँख में दिखना बंद हो गई, लेकिन ध्यान निविष्ट अंतर जगत में एक अद्भुत आनंद
दिव्य जगत की एक झलक अंतर जगत में सब दर्शन करते हैं, शरीर का बोध रहता नहीं है। भगवत स्मृति पूर्ण शरीर स्मृति गंध मात्र रहता है उस समय। फिर आगे चल के शरीर दशा तो शून्य हो जाता है और अंत दशा अत्यंतिक हो जाता है, परमात्यंतिक। फिर राम आते हैं एक दिन सही सही वृद्धावस्था में, घर में ध्यान निविष्ट होकर के सबरी बैठी बैठी है। रामचंद्र आते हैं, राम लक्ष्मण माता जानकी, सबरी 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 तो अंतर्दशा में है, बहिर्दशा है नहीं। रामचंद्र आके पुकार रहे हैं, फिर रामचंद्र स्पर्श किए, परिस्थिति आ गई। राम आह कब से इंतजार कर रहे, कितना युग बीत गया, वर्ष बीत गई, इतने भारी इंतजार, एक एक पल एक एक क्षण राम जी के लिए, राम 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 करते करते एक एक पल एक एक क्षण राम के लिए जीना, कितना कष्ट। आप आएंगे अभी नहीं आया, काल आएंगे काल नहीं आया, परसों आएंगे, रामचंद्र आए, कितने जोग बीत गई। राम सबरी प्रभु हमको दिखता नहीं, अंधी हो गई, रोते रोते अंधी हो गई। रामचंद्र आँख में हाथ हस्त स्पर्श किए, रामचंद्र की दिव्य झांकी, सच्चिदानंद स्वरूप, अनंत कोटि वैकुंठनाथ उनकी झांकी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके उनके हृदय ग्रंथि खुल गए, जड़चेतन ग्रंथि खुल गए, करके मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति भगवत प्राप्ति, इसके ऊपर कुछ प्राप्ति नहीं है। उनकी माया ग्रंथि खुल गई। रामचंद्र कहते हैं, सबरी हमको भूख लगी है, कुछ खाने दो। खाने क्या देंगे प्रभु, बहुत दिन बीत गया खाना पीना, तो मन में सोच रही है, हम तो कभी निकले ही नहीं। ध्यान निविष्ट होकर के भगवत चिंतन में, रामचंद्र चिंतन में याद आई। वो रामचंद्र कहते हैं, सबरी वो झोली में क्या रखी है, जो पहले जब जाती थी जब जंगल में मीठी मीठी बैर चुन के रखती थी। रामचंद्र जानते हैं रामचंद्र आएंगे तो देंगे, वो तो सूख करके लकड़ी हो गई। बहुत साल बीत गया ख्याल भी नहीं, फटा पुराना एक एक मैला कुचला कपड़ा में वो बैर रखी हुई है। सबरी उसमें क्या है, लाओ जो भी है लाओ, प्रभु ये खाने लायक नहीं है। ना ना देव देव दो, हमको भूख लगी है। रामचंद्र लेकर के खा रहे हैं, लक्ष्मण को दे रहे हैं, लक्ष्मण लियो, लक्ष्मण लियो।
ऐसे कहते हैं कोई कोई रामायण, रामायण तो बहुत सारे रामायण है, कोई कोई रामायण में कहते हैं लक्ष्मण को उसमें रुचि नहीं आई, लक्ष्मण ने ऐसा फेंक दिया और जाके कंदमाधव पर्वत में जा करके वही संजीवनी बूटी बन गई। लक्ष्मण की जब शक्ति शेयर हुआ वही संजीवनी बूटी औषधि रूप में आकर के लक्ष्मण को दिए, तब लक्ष्मण जीवित हो गए। ऐसे कहते हैं पुराण, रामायण तो बहुत रामायण है, ऐसे कहते हैं। रामचंद्र वो बैर खाए, सबरी हमसे बर मांगो, कहते प्रभु बर क्या मांगेंगे, आप जो पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुषोत्तम हमारे सामने विराजमान है प्रभु, आप तो कुछ चाहने तक कुछ है नहीं, फिर भी आप जब कह रहे हैं प्रभु आपके चरण कमल में हमारी अनन्य भक्ति दो, प्रभु बोलते शबरी तुम्हारी तो दुर्लभ भक्ति तुमने प्राप्त करने में समर्थ हो गई हो, इससे बरकरार कोई भक्ति होती नहीं है, भक्ति की चरम अवस्था तुमने प्राप्त की हो, कृतकृत हो गए, धन्यति धन्य हो गए, चरम परम उपलब्धि चरम परम प्राप्ति करने में समर्थ हो गए हैं कृपा से, केवल भक्ति के माध्यम से वो अनन्य प्रेम प्राप्त करके भगवत दर्शन करने में, भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में, नित्य काल के लिए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकार प्राप्त हो करके धन्यति धन्य हो गए, शबरी शांत हो गई। जो वस्तु प्राप्त होने से और अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उससे ज्यादा आनंददायक हो सकता है। फिर रामचंद्र आए हैं, रामचंद्र आए हैं, हल्ला हो गया चारों ओर, सब मुनि ऋषि भाग के आए हैं रामचंद्र पर, लेकिन भाई वो प्रेम नेत्र बिना उनको तो सिर्फ नर तनु ही देखने में आएगा ना, नर मनुष्य कृति ही, क्यों भगवान तो नर लीला करने आए हैं ना, सब थोड़ी उनके चिन्मय दिव्य रूप नाहंग प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता, मैं जोगमाया के द्वारा समर्पित रहने कारण मेरे चिन्मय दिव्य स्वरूप कोई जान नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, इसीलिए आए हैं, सुने हैं रामचंद्र भगवान, किसी के मन में कुछ संदेह है, किसी के मन में है हो भी सकते हैं ये भगवान, फिर भी आदर करके कोई भी हो ऐसे दिव्य दर्शन तो है ही है, चलिए प्रभु हमारे आश्रम में, पर ये चलिए प्रभु हमारे आश्रम में, रामचंद्र तो अपने विनम्रता आप लोग जैसे आदेश करते हैं ऐसे हम आदेश पालन करने के लिए तैयार हैं, हम तो धन्य हैं जैसे आप जैसे संतों का दर्शन कर रहे हैं, हम पवित्र भगवान ऐसे विनम्रता दिखाते हैं साधु संत के पास, साधु संत के उनको तो मुकुटमणि मानते हैं भगवान, तो ले गए हैं वो नदी जो सुदर्शनी नदी खून जैसे हो गया था, आप देखते हैं प्रभु तो भगवान है, इनके चरण स्पर्श से ये जल शुद्ध हो जाए, फिर हम लोग उनका भाई साधु संत के लिए जल बहुत जरूरी है, हो गया शबरी को स्नान करने नहीं देते थे मुनि ऋषि लोग, चल ये सुना नहीं तो उसने अपवित्र हो जाएगा, संत अपराध के कारण खून जैसे हो गया, प्रभु आप थोड़ा चरण स्पर्श कर दीजिए, प्रभु हम लोग बड़ा कष्ट पा रहे हैं पानी के अभाव के कारण, ये तो स्वच्छ था निर्मल था लेकिन ये पानी ऐसे खराब हो गया, आप थोड़ा चरण स्पर्श कर दीजिए, तो प्रभु कहते हमारे चरण स्पर्श से तो कुछ होगा नहीं, हम में तो ऐसे पावनी शक्ति तो है नहीं, नहीं 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 प्रभु आप तो पूर्ण ब्रह्म सनातन, प्रभु थोड़ा चरण स्पर्श कर दीजिए, बोलते देखिए हमसे होगा नहीं, ये आप लोग बोल रहे हैं हम भगवान नहीं है, ऐसे नहीं भगवान तो छुपाते हैं ना अपने आप को, नर लीला करने आए हैं, ऐसे शक्ति हम में है नहीं, नहीं प्रभु आप तेरा चरण को स्पर्श कर दीजिए, भगवान ने स्पर्श किया वो तो पहले लाल था अब कीड़ा पड़ गया पहले तो लाल 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 खून जैसे रंग हो गया, आप उसमें कीड़ा देखने लगा बहुत सारे, सब संत लोग देखते हैं बड़े मुश्किल है, अब कहा भी नहीं जाता है भगवान है, अब कैसे कहें भाई भगवान को, कैसे कहें कहीं आप कैसे भगवान है, आपके चरण स्पर्श से कीड़ा पड़ गया, और भगवान तो भक्त को महिमा बढ़ाने के लिए ऐसे लीला करते हैं प्रभु, तो उपाय क्या प्रभु, पानी बिना तो सब हमारा क्रियाकर्म सब पानी के माध्यम से ही होती है,
तो बोलते मैं उपाय बता सकता हूँ, सबरी के लाओ, सबरी ला के अगर ये चरण स्पर्श करे ना जल में तो जल स्वच्छ हो जाएगा। सुन करके तो सबका दिमाग घूम गया, एकदम मस्तक चक्कर लगा गया। सबरी हो तो चंडाल करना है, बोलते नहीं नहीं उसमें ये पावनी शक्ति है, हम में उतना पावनी शक्ति है नहीं, क्या कर सो लाओ सबरी को, सबरी की तो जाकर रोना शुरू करते, हम चंडाल नीच कन्या हूँ, कुछ चरण स्पर्श क्या हो तो स्पर्श करने की सामर्थ्य हम में है नहीं, अपवित्र हो जाएगा वो नदी, साधु संत सब दुखी हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, सब संत आकर के कह रहे नहीं नहीं सबरी तुम चलो 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 चलो, तो सबरी आए हैं। रामचंद्र कहते हैं सबरी मैं आदेश कर रहा हूँ तुम चरण स्पर्श करो, प्रभु आप जब कह रहे हैं तो चरण स्पर्श करने एकदम स्फटिक जैसे दिव्य जल एकदम सुंदर, कहाँ कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं, स्वच्छ निर्मल अति शुद्ध मीठी पानी। फिर जा करके सबरी सबके चरण कमल वंदना करके प्रभु अब आदेश कीजिए, अब मैं जाऊँ वहीं पर रामचंद्र के चरण दर्शन करते करते, मुख कमल दर्शन करते करते प्राण वायु छोड़ दिया, नित्य धाम में चले गए। सब मुनि ऋषि फिर जा करके बड़े पश्चाताप करते हुए उनके स्था संस्कार किए सब उनके। यह है केवल अभक्ति, ये भक्ति भगवान फट जाते हैं बंध जाते हैं, इस भक्ति भगवान कभी उस ऐसे भक्त को छोड़ करके पलक के लिए कहीं नहीं जाते हैं, उनके पास ही रहते हैं, ऐसे है केवल अभक्ति। जय राधा रानी।